नमस्कार दोस्तों, अमनी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में पैसिव, जी हाँ पैसिव को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। और पैसिव का देखिए, पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पैसिव। पैसिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुत लोग को तो ये भी नहीं पता है, ठीक है। तो कृत्य बोलते हैं, कृत्य वाच्य, पैसिव वॉइस है ना, वाच्य यानी कि कृत्य वॉइस, पैसिव वॉइस। आज मैं जो बात करने वाला हूँ पास्ट कंटिन्यूअस पे बात करने वाला हूँ। तो पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि लगातार जो चल रहा है, लगातार चलने वाला जो है कथन होता है, कंटिन्यूअस का होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पैसिव वॉइस तो है ही, जैसा कि मैंने इंडिकेट भी कर लिया, पैसिव वॉइस है ही। तो अब क्या करना है, कैसे करना है, देखिए इसमें एक बात है कि वॉज विंग वर विंग का इस्तेमाल होगा, वी थ्री तो लगने वाला है। तो सिंपल तरीका है, अगर मैं सब्जेक्ट लिख दूँ तो लिख देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे सब्जेक्ट तो होगा ही, सब्जेक्ट के बाद जो है वॉज या वर, वॉज या वर सब्जेक्ट के अनुसार ही होता है। उसके बाद विंग होगा ही, विंग सिंपल वाले बात कर रहे हैं सीधा विंग, और उसके बाद हो जाता है वी थ्री हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल रूप हो जाता है। ये सब पैटर्न है, ये सिर्फ अफर्मेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए नहीं है, इंट्रोगेटिव के लिए नहीं है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए नहीं है। पहले आप सरल बनाना सीखेंगे तो सब कुछ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो पहले से लड़के पढ़ाए जा रहे हैं थे, भाई अगर एक सेंटेंस है हमारे पास और नंबर एक में मैं इसे ले रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कुछ तो अच्छा होगा। तो यहाँ से मैं काउंट कर रहा हूँ, एक नंबर यहाँ ले रहा हूँ, लड़के लड़के थोड़ा सा यह देखिए पढ़ाए जा रहे थे, लड़के पढ़ाए जा रहे थे। अगर ये सेंटेंस है तो इस सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में करेंगे, तो भाई विंग तो मैंने बोला वॉज विंग, तो देखिए लड़के तो बहुत सारे हैं तो जाहिर सी बात बॉयज लिखेंगे, जब बॉयज लिखेंगे तो वाज लिखेंगे कि वर, जाहिर सी बात है वर लिखेंगे, तो वॉइस वर चूंकि प्लूरल है ये सब्जेक्ट वॉइस वर, विंग ये आ जाएगा, विंग ऊपर से आ जाएगा यानी कि यही विंग हमेशा आएगा पास्ट कंटिन्यूअस, वॉइस वॉइस वर विंग। अब वी थ्री लगा देना, टाउट टीच का होता है टाउट, ठीक है, यानी कि पढ़ाए जा रहे थे यानी सिखाए जा रहे थे, नहर बनाई जा रही थी। नंबर टू, नहर बनाई, पिछले वाक्य पिछले वाले क्लास में एक वैसे ही मैंने नहर से रिलेटेड बनाया था, नहर बनाई जा बनाई गई थी, नहरें बनाई गई थी, यहाँ पर मैंने बोला नहर बनाई जा रही थी। तो सेंटेंस अलग है लेकिन बनाने का तरीका होते हुए भी तो आप करेंगे ही ना, तो नहर बनाई जा रही थी हो गया। आंसर क्या होगा सोचिए, एक कैनाल कैनल, ठीक कैनाल नहीं कैनल बोली, कैनल बोली, एक कैनल एक कैनल एक कैनल वाज एक कैनल वाज विंग एक कैनल वाज विंग, देखिए कितना अच्छा तरह से यहाँ से देखिए विंग वाज हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा विंग हो जाएगा, इस तरह से कैनल वाज विंग डग डग, भाई मतलब बनाई जा रही थी का मतलब है कि ऐसे मेड भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं डग ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि थोड़ा सा डिफरेंट भी कर सकते हैं। डिग डग डग यानी कि बनाई जा रही थी, पहले खोदेंगे कैनल, नहर बनाने के लिए क्या करते हैं, निर्माण करते हैं नहर का, बिल्डिंग तो है नहीं, खोदते हैं हम लोग ना, तो वही डग डिग डग 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 मीन्स खोदा जा रहा था। नंबर थ्री, नंबर थ्री हो गया, रीता प्यार की जा रही थी, रीता को प्यार की जा रही थी है ना, रीता प्यार की जा रही थी, किसी का नाम है मान लीजिए, तो रीता को या रीता प्यार की जा रही थी, ऐसे नहीं मतलब रीता प्यार लगातार कर ही रही थी तो ऐसा भी हो सकता है, रीता को नहीं रीता प्यार की जा रही थी, रीता प्यार कर रही थी बोलते हैं ना, रीता प्यार कर रही थी वही बात है, रीता प्यार किए जा रही थी, रीता प्यार की जा रही थी, इसको आप जैसे भी समझे बात वही है, रीता प्यार कर रही थी, तो कर रही थी तो अगर जब बोल देंगे तो फिर तो चला जाएगा एक्टिव में ना,
इसीलिए इस तरह के सेंटेंस होते हैं, आपको भाव समझना होगा। आपको फिर सिंपल जो एक्टिव वाले सेंटेंस पास्ट एंड कंटिन्यूअस में हो जाएगा, तो वहाँ सेंटेंस अलग हो जाएगा ना। यहाँ पर भी V3 का इस्तेमाल नहीं करना होगा। अगर रीता प्यार कर रही थी बोलते तो रीता रीता इज लविंग ऐसा हो जाता, रीता प्यार कर रही थी। लेकिन यहाँ जो बोलना है कि रीता प्यार की जा रही थी। आंसर देखिए, आंसर समझ में आएगा आपको। देखिए आंसर अच्छा समझ में, रीता वॉच बीइंग लव्ड बीइंग लव्ड, है ना, मजेदार। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नंबर चार। नंबर चार में क्या रखेंगे हम लोग, उदय को पीटा जा रहा था, ये तो सही है ना, लग रहा है ना। उदय को पीटा जा रहा था, कैसे होगा आंसर लिखिए। उदय उदय वाज बीइंग, अकेले है ना तो वाज लगाएंगे ही, उदय वाज बीइंग विटेन, विटेन मीन्स मारना पीटना, है ना, यही हो ना, विटेन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पकड़ेंगे अच्छा से, नंबर पांच। शोभा को सलाह दी जा रही थी, शोभा लेती कहाँ सलाह, है ना, ऐसा होता थोड़ी है। सलाह तो सभी लोग देते हैं किसी न किसी को, लेकिन लेता कौन है, क्योंकि सभी लोग तो तेजी है। शोभा को सलाह दी जा रही थी, लिखेंगे SHOBHA, शोभा, ठीक है, शोभा वाज विंग एडवाइज्ड है ना, मजेदार। शोभा वॉज बीइंग एडवाइज्ड, नंबर पांच पे आई है, मतलब पांच तो आपने देखा ही, नंबर छह पे आते हैं हम लोग। नंबर सिक्स में क्या है, ललन को डांटा जा रहा था, है ना, ललन को डांटा जा रहा था, तो ललन लिखते हैं ललन सिंह, लिखेंगे मजा आएगा, ललन सिंह को डांटा जा रहा था। अब देखिए आंसर होगा ललन सिंह, क्या लिखेंगे, लल्लन एस बड़ा, अब सिंह लिखेंगे, लल्लन सिंह वॉज विंग स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड का मतलब हो गया डांटना, डांटा गया, है ना, स्कॉल्ड में डांटा तो स्कॉल्डेड। नंबर सेवन यही कर लेते हैं, चूंकि थोड़ा सा मैं ध्यान दूंगा। नंबर सेवन, तारे देखे जा रहे थे, तारे देखे जा रहे थे, स्टार वॉर्स लिखेंगे, स्टार्स वर बीइंग सीन,
है ना, स्टार्स वर बींग सीन। तो दोस्तों ये तो आपने देखा ही देखा। अब चलिए फिर से मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चंस 8 पर, और आप बहुत मज़ेदार सीख रहे हैं ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। अगर सीखते नहीं तो आप यहाँ तक नहीं पहुँचते। और सीख कर ही दोस्तों आप इस तरह के सेंटेंस को बोलिए, दिमाग में रखकर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? आपके ऐसे सेंटेंस बहुत सारे बन जाएंगे। नंबर 8 को लेता हूँ। 8 नंबर का ये रहा, 8 नंबर। दिलीप को चूमा जा रहा था। भाई दिलीप कितना खुश नसीब है ना, दिलीप को चूमा जा रहा था, दिलीप को चूमा जा रहा था। चूमा मतलब चुंबन किया जा रहा था, उसको प्यार किया जा रहा था। चूमा जा रहा था यानी कि दिलीप बाज, दिलीप बॉस किस्ड, दिलीप बॉस विंग तो कहाँ गया, विंग भी लगाना है भाई। दिलीप बॉस विंग किस्ड, हो गया ना। नंबर 9, प्रश्न हल किए जा रहे थे। प्रश्न हल किए जा रहे थे, आंसर क्या होगा? क्वेश्चंस, क्वेश्चंस वर विंग आंसर्ड, विंग विंग एंसर्ड। नई किताबें लिखी जा रही थी। वाह कितना अच्छा बात है। इस तरह का सेंटेंस देखिए, कितना उम्दा उम्दा सेंटेंस को मैं ले रहा हूँ। नई किताबें, नई किताबें लिखी जा रही थी, क्या होगा? न्यू बुक्स वर्विंग रिटेन, क्या होगा? रिटेन, रिटेन, हो गया ना। ये तो था दोस्तों 10। कुछ और लेते हैं ताकि आपको भी मजा आए। जैसे कि दोस्तों अगर मैं कहूँ कि प्रोत्साहित करने को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, तो परसुएड, परसुएड में उत्साहित करना। अभी इतिहास लिखा जा रहा था, है ना, इतिहास लिखा जा रहा था। क्वेश्चन ऐसा भी तो होता है कि इतिहास लिखा जा रहा था, भाई वहाँ उस समय लोग हमें उपस्थित था, ठीक है? तो इतिहास लिखा जा रहा था, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? हिस्ट्री वॉज विंग हिस्ट्री वॉज विंग रिटेन, नंबर 12, नंबर में है। जिनको नहीं दिख रहा वो स्क्रीन को बड़ा करके, लार्ज करके देख सकते हैं, दिखता है, ठीक है? स्क्रीन बड़ा होता है। वाक्य बनाए जा रहे थे, वाक्य बनाए जा रहे थे।
सेंटेंसेस वर, यानी वाक्य, यानी बहुत वाक्य यहाँ बोला लेकिन बनाए मीन्स बहुत सारे वाक्य हो जा रहे हैं, तो लिखेंगे सेंटेंसेस वर बीइंग फ्रेम्ड, है ना, फ्रेम्ड। अब थोड़ा सा तो अलग लिखना ही होगा ना, यानी कि क्रिएट की जाए थे फ्रेम्ड। सड़कें साफ हो रही थी, नंबर 13। चलिए कॉपी थोड़ा सा मैं लिखते समय करता हूँ टेढ़ा, तो वो टेढ़ा हो गया, है ना। सड़कें साफ की जा रही थी, रोड्स वर बीइंग क्लीन्ड, नंबर 14, यानी 14, नंबर 14 यहाँ ले लेते हैं। गलियाँ साफ की जा रही थी, गलियाँ साफ की जा रही थी। अब गली को तो स्ट्रीट बोलते हैं, तो स्ट्रीट लिखना है, ठीक है। लेन भी बोलते हैं, अब देखिए कि आपको क्या बोलना है। स्ट्रीट वर विंग ब्रूम्ड, ब्रूम्ड नहीं झाड़ू मारते हैं ना, ब्रूम्ड, तो वही उसी ने साफ करते हैं, ब्रूम्ड। नंबर 15, देश गुलाम बनाए जा रहे थे, ऐसा नहीं बनाएंगे, स्कूल के छात्र, थोड़ा लंबा हो जा रहा है, क्या छोटे छोटे सेंटेंस लेंगे तभी आप सीख पाएंगे। या देखिए, देश आज़ाद किए जा रहे थे, ऐसा कर सकते हैं ना, नहीं, देश गुलाम बनाए जा रहे थे, यही ठीक रहेगा, ताकि आपको कुछ सीखने को मिले भाई, इस तरह का सेंटेंस भी क्रिएट करने आ जाए। देश गुलाम गुलाम बनाए जा रहे थे, देश गुलाम बनाए जा रहे थे, क्या होगा। कंट्रीज, यहाँ से लिख लेते हैं, कंट्रीज कंट्रीज वर बीइंग कंट्रीज वर विंग हो गया इतना अच्छा से, कंट्रीज वर विंग स्लैब्ड, स्लैब्ड। दोस्तों ये सेंटेंस, इसी के आधार पर आप सेंटेंस बनाना सीखिए। अगर आप यही कम से कम इतने सेंटेंस को अगर आप कर लेते हैं, तो जीवन भर आपको पैसिव के कंटिन्यूअस नहीं भूलने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है, आपको और भी देखना है तो हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो देखिए, पास्ट परफेक्ट का जो तीन ही तीन तो है, तीन तीन तीन, प्रेजेंट में तीन, पास्ट में तीन, फ्यूचर में तीन, पैसिव खत्म, इजी है, सेंटेंस में डायरेक्ट हम लोग बात करें। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, धन्यवाद।